एसडीएम पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय छात्र संघ समारोह व वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री ने समारोह में कहा कि महाविद्यालय नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड बनने के बाद डोईवाला में डिग्री कॉलेज की मांग उठी थी, जिसके बाद साल 2002 में यहां डिग्री कॉलेज बनाया गया, जिसमें विभिन्न तरह के सब्जेक्ट्स पर पढ़ाई होती है। इसके बाद यहाँ की छात्र अन्य गतिविधियों के जरिए भी विद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं। समय समय पर यहाँ पर छात्रों के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिनमें छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हरिद्वार से सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यहाँ महाविद्यालय लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जो कि प्रदेश व क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में यह महाविद्यालय बी श्रेणी पर भी अपना नाम लिख चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पहले दिन जैसे बड़ी बड़ी सबको पता है कि माननीय विधायक तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और आज दूसरे दिन माननीय सांसद जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल सिंह जी आ रखे, हमारे पर बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने हमारे लिए समय दिया, और मैं धन्यवाद चाहता हूँ कि वो लोग वो आए हमारे महाविद्यालय में। कल के और आज काफी उम्मीद है कि आने वाले समय पे वो पूरे इलाके की जाए और हमारे महाविद्यालय में काफी कुछ करें। प्राचार्य जी ने आज बताया कि नायक का जो निरीक्षण हुआ है उसमें 20 श्रेणी में ही आया है। पूरे देश के अंदर 20 श्रेणी को प्राप्त करना कोई सहज नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि ये महाविद्यालय, इनके सारे जितने प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक वर्ग है, प्राचार्य के सानिध्य में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ के छात्र छात्राओं ने प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर बहुत सारे सम्मान अर्जित किए हैं, प्रतिभाशाली हैं, संघर्षशील हैं। आज ये वार्षिकोत्सव, पूरे वर्ष का जो उत्सव मना रहे हैं, इस उत्सव उनके खुशी में सम्मिलित होने के लिए मैं भी आया हूँ। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।